पंजाब और आम आदमी पार्टी के लिए 16 मार्च 2022 यानी कि आज का दिन बहुत ही अहम है। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद भगवंत मान ने आज पंजाब के 17वें मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। भगवंत मान ने नवांशहर जिले में महान स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह के पैतृक गाँव खटकर कलां में शपथ ली। दिल्ली से अरविंद केजरीवाल समेत तमाम बड़े नेता भी खटकर कलां पहुंचे। अभी केवल भगवंत मान शपथ लिए हैं, मंत्रिमंडल का गठन बाद में होगा। आपको बता दें कि शपथ ग्रहण में शामिल होने वाले पुरुष जो थे वह बसंती पगड़ी पहने थे और उसके साथ जो महिलाएं थी वो पीला दुपट्टा में नजर आई। आपको बता दें कि यहां पे आम आदमी पार्टी ने 117 सदस्यीय पंजाब विधानसभा में 92 सीटें जीतकर धमाकेदार प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि भगवंत मान ने धूरी विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस उम्मीदवार दलवीर सिंह गोल्डी को 58,206 मतों के अंतर से हराकर जीत हासिल की थी। अब यहां पे मैं आपको बता दूं कि लोकसभा अध्यक्ष जो ओम बिरला है वह मंगलवार को उन्होंने पंजाब के जो मनोनीत मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान का 14 मार्च से इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। अब यहां पे आप लोग देख सकते हैं, इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा भगवंत मान ने अपने शपथ ग्रहण में क्या क्या कहा है। तो इस वीडियो को आप लोग देखिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक। भगवंत मान ईश्वर की सहु चुकता हाँ कि मैं कानून द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा ते निष्ठा रखांगा कि मैं भारत की प्रभुता अते अखंडता नूं बरकरार रखांगा कि मैं पंजाब राज दे मुख्यमंत्री वजों अपने कर्तव्यां नूं वफादारी ते शुद्ध अंतकरण नाल निभावांगा अते मैं भय जां पक्षपात स्नेह जां दुर्भावना बिना सब तरह के लोगों के प्रति संविधान अते कानून नूं अनुसारता विच न्याय करांगा। मैं भगवंत मान ईश्वर की सहु चुकता हाँ कि जो कोई मामला पंजाब राज दे मुख्यमंत्री वजों मेरे विचार अधीन लिया जाएगा जा मैनू ज्ञात होगा वह किसी व्यक्ति ज व्यक्तियों नू सवाए उसके कि अजिहे मुख्यमंत्री वजों अपने कर्तव्यों के ठीक निभाने अजिहा करना लोड़ींदा होवे मैं सीधे जां असिधे तौर पर ना दसांगा ना प्रगट करांगा। इनकलाब जिंदाबाद।